कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी, मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी नारी ना हो पड़ी। जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोई चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाम चढ़ावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाव पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चढ़े। केवट ने भगवान के चरणों को पुकारा। रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका केवल एक बार स्मरण करने से व्यक्ति भवसागर के पार कर जाता है, आज वही केवट भगवान के चरणों को उतर रहा है। कि जासु नाम सुमिरति बारा, पुत्र ही नर भव सिंधु अपारा। केवट ने भगवान के चरणों को पखारा है और ले चला गंगा के उस पार। मेरा प्रयास है कि मैं शब्दों में आपको कुछ इस तरीके से सुनाऊं कि आपको आभास हो समय। चली नाव गंगा की धारा, प्रभु देने लगे नाव तिराई, देने लगे नाव तिराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने गंगा के पार पहुंचा दिया। केवट उतरी दंडवत कीना और प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु कछु। भगवान संकोच करने लगे कि केवट का तो यही आजीविका का सहारा, इसे कुछ मिलना चाहिए। लेकिन वनवासी राम सब कुछ छोड़कर आए थे, साथ में कुछ नहीं था। माँ जानकी जी की ओर इशारा किया तो जानकी जी ने अपनी अंगूठी धरकर केवट को देना चाहे, लेकिन केवट ने मिलने से मना कर दिया। कहने लगा, प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्मांतर का भक्त हूँ, आज जो सेवा का मौका मिला है आज मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। भगवान बोले, केवट ये तुम्हारी मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट कहने लगा, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, मैं आपसे मजदूरी नहीं ले सकता। अब भगवान ने पूछा, ये नियम क्या है? तो केवट कहने लगा कि प्रभु एक ही काम करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते हैं। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। तो देखिए किस तरीके से केवट भगवान को समझा रहा है। नाई से नाई ले
देकर मजूरिया मुझे तुम जाति को न बिगाड़िए। भगवान बोले ठीक है केवट, ये तो नाई और धोबी का मामला है, भैया मेरा और तुम्हारा काम एक कैसे हो गया। केवट कहने लगा प्रभु एक ही काम है। कहने लगा नाई से न नाई लेत, धोबो से न धोबो लेत, देकर मजूरिया मुझे तुम जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार ले तार दिने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार वो ही उतारियो। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार वो ही उतारियो। चंचला गंगा की धारा सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाम फिराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम है पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े, जाना था गंगा पार।